Hi guys, welcome to our channel Unacademy Studios Vault. My name is Narendra Kumar and today's topic is most confused vocabulary words. एक सीरीज मैंने चलाया हुआ है वोकेबलरी का. हर स्टूडेंट कंप्लेन करता है वोकैब याद नहीं होता है एंड वी आर नॉट श्योर कि कौन सा वोकैब रखना है, कौन सा याद नहीं, कौन सा याद करना है, कौन सा लीव करना है, कौन सा नहीं याद करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली. तो बींग एजुकेटर और आपको हमें पता होता है कि यार ये वोकैब बहुत, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. हर एग्जामिनर इस वाली वोकैब को फोकस करता है बिकॉज इसका इम्पैक्ट है डेली लाइफ में, ठीक है, या फिर कुछ तो ट्रिकी है इसमें, इसीलिए वो वाले क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है. तो मैं हर वो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वोकेबलरी में जो एग्जामिनर पूछ सकता है. दो वजह हैं, इधर वो ट्रिकी है या फिर वो उसका रेलिवेंस एग्जाम में, मींस डेली लाइफ में, द ऑफिस में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो डेली कम्युनिकेशन में अगर उसका यूज़ होने वाला है तो इसलिए मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ. ऑल राइट, चलो देखते कितना लोग आ गया. इसको सेशन को शेयर कर दो सबके साथ में. दिव्या हेलो, गुड आफ्टरनून. सैडल अप सॉन्ग, ओके सैडल अप सॉन्ग, आपने कोई पहले क्लास किया है मेरा. स्निग्धा यू आर बैक. गायत्री, ओके. अविनाश दास हेलो. अभीपसा यू आर ऑल्सो. यहाँ पे फर्स्ट टाइमर कौन है, कोई फर्स्ट टाइमर है. रामू, ओके. विश्वा, ओके, यू आर ऑल्सो रेडी. आज देखो मैं इसी चीज़ पर डिस्कस करने वाला हूँ. अच्छा ये बताओ, ऑलरेडी या ऑलरेडी. विश्वा, हमारा आज का जो टॉपिक है, आर टॉपिक इज लाइक मोस्ट कन्फ्यूज्ड वर्ड, ए डबल एल ऑल रेडी या फिर ए एल आर ई डी वाई. विश्वा बताओ भाई, व्हाट शुड बी द करेक्ट रिप्लाई. आर यू ऑल रेडी फॉर माय क्लास या फिर यू आर ऑलरेडी माय क्लास. अमित प्रसाद, चलो आप भी आंसर करो. प्रदीप श्रीवास्तव, इफ़ इट योर फर्स्ट टाइम आई मैसेज फॉर यू, मेरा ये सब्सक्राइब कर लो चैनल एंड इनिशियल 15 क्लासेस पक्का करना. न्यू पैटर्न इंग्लिश 12 to 1 और रात को एक टाइम चलता है ग्रामर वाला पार्ट. 15 क्लास कर लो, यू विल बी रेडी फॉर एवरी एग्जाम एक्चुअली एंड यू विल बी कन्विंस्ड कि आप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ट्रस्ट मी. 15 ज़्यादा हो रहा है, 10 क्लास वॉच कर लो, दैट्स इट. इतना मेरा कहने से कर लो, बाकी तो तुम अपने आप ही करोगे, ठीक है. ओके, भाग्यश्री ने सही बोला, ऑलरेडी मतलब वी आर ऑल प्रिपेयर्ड. ऑलरेडी मतलब बिफोर, मतलब तुम पहले ही कुछ करके आ गए. ऑल राइट, ठीक है. जो आज मैं पूछ, इसका जो मैंने पकड़ा ना विश्व का जो कमेंट, उसी पे तो हमारा सेशन है ना आज पूरा. तो आई हैव ऑलरेडी टेकन आई थिंक 2 सेशंस ना, 2 or 3 सेशंस. ऑल राइट, प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस 2 सेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यूज़ किए वहाँ पर, डिस्कस किए. आज भी मेरे पास कुछ मसाला है. ऑल राइट, चलो वेट करते हैं. हेलो गोलू पांडे, देखो फाइनली यू आर बैक. गोलू डू लेट मी नो आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक मेरी क्लासेस का ऑन यूट्यूब. अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लेना लेटर ऑन या अभी कर लो. लेकिन ये जो यूट्यूब वाला क्लासेस है इसमें कितने टॉपिक कवर किए थे और कैसा लगा था जल्दी से बताओ. आई वॉन्ट योर फीडबैक. ऑल राइट, ओके. सो दोज गाइज हु आर योर फर्स्ट टाइम, माय नेम इज नरेंद्र कुमार एंड आई बीन टीचिंग फॉर मोर देन 7 ईयर्स नाउ. ऑल राइट, सी दो टाइमिंग्स हैं, प्लीज़ नोट कर लो. जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो रोज डेली आता है, उनको पता है क्या होता है यहाँ पे, ठीक है. 9 to 10 द ग्रामर पार्ट एंड 12 to 1 द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, वेदर इट्स अ वोकैबुलरी, पैराग्राफ कंप्लीशन, समरी ऑफ द पैराग्राफ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ठीक है, समरी ऑफ द पैराग्राफ, इन्फ्रेंस स्टेटमेंट, ऑल दीज क्वेश्चन, जम्बल्ड पैराग्राफ. गाइज जम्बल्ड पैराग्राफ में तुम सबको प्रॉब्लम होता है और आज तक कभी श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं मिला. लोग क्या करता है, आपको सॉल्व करके दिखा देता है, आपको पता नहीं चलता कि आप कैसे सॉल्व कर सकता था, आपको सॉल्यूशन मिलता है. लेकिन आज मेरी जो ट्रिक्स है ना, वो आपको इतना काबिल बना देगा, ठीक है, इतना अच्छा ट्रेन कर देगा आपको कि आप खुद कर सकता है. यू डोंट नीड एनी टीचर टू सॉल्व एनी पैरा जम्बल क्वेश्चन, माई ट्रिक्स आर द टीचर, वो आपको बताएंगे. तो प्लीज वॉच माई जम्बल्ड पैराग्राफ ट्रिक्स, माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट आर चैनल. हम 5 से 7 लोगों की टीम है, पूरा बैंकिंग का हम लोग बेस्ट चैनल बना के छोड़ेंगे इसको इंडिया में, ठीक है. और मेरा तो पूरा एफर्ट है, बाकी की टीम भी पूरा एफर्ट कर रहा है. क्वांट वाले सर हैं, इंग्लिश वाली सर मैम हैं और रीजनिंग वाले लोग हैं, ठीक है. वॉच सबको वॉच करो, जो आपको पसंद आ रहा है उसे तो कम्प्लीट फॉलो करो, ठीक है. तो सुनो मेरी स्टोरी. ऑल राइट, यस यस स्निग्धा, पैरा जंबल पे पूरा सीरीज चलाने वाला हूँ मैं. इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, न्यू पैटर्न, ओल्ड पैटर्न, कैट, मैड, एसएससी, एमटीएस, बैंक, आरबीआई, एसबीआई, इंश्योरेंस, यू नेम इट.
मैं पूरा सीरीज चलाने वाला हूँ, ठीक है, पूरा सीरीज चलेगा, वोकैब का सीरीज चलेगा, पैराजंबल का, जो सबसे ट्रिकी पार्ट होता ना उसका सीरीज चलेगा। इजी कहानियाँ आपको किसी भी चैनल पर मिल जाएंगी, मेरे चैनल पर आयो, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सच स्टोरीज यू नेवर हर्ड ऑफ। ओके, डोंट बिलीव इट, गो वॉच माई प्रीवियस सेशंस। ओके, यस, प्रदीप श्रीवास्तव प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनाए, नरेंद्र कुमार कोर्स न्यू पैटर्न इंग्लिश लिखा होगा, बेसिक ग्रामर लिखा होगा, प्लीज चेक, थोड़ा सा मेहनत कर लेना यार, थोड़ी सी मेहनत कर ले, लाइफ बन जाएगी। प्रदीप श्रीवास्तव, माई इंग्लिश इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ट्रस्ट मी, देखना तो स्टार्ट करो भाई। ओके, ये मेरा बेसिक ट्रेनिंग है जो आपको हर एग्जाम में ले जाएगा, वेदर SSC, अदर बैंकिंग, एनी एग्जाम, इंश्योरेंस और कैट, GMAT एग्जाम, मैनेजमेंट एग्जाम, फॉरेन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, माई ट्रिक्स, माई स्टोरीज विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम्स। ओके ओके, बाकी क्लास बना हुआ है, जिस चैनल पे आप राइट ना वॉच कर रहे हो ना, उसको सब्सक्राइब करो फर्स्ट, एंड देन देर आर वीडियो सेक्शन, देर इज अ प्लेलिस्ट सेक्शन, प्लीज चेक, यू विल गेट एवरीथिंग। अगर आपको ना मिले तो डू वन थिंग, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके चले जाना, लाइव कमेंट नहीं, लेटर ऑन मेरे किसी प्रीवियस वीडियो पर कमेंट कर दो, एंड डू लेट मी नो आपको कौन सा लिंक चाहिए, आई गिव यू द लिंक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिखो राइट ना, लिखो ना अपने पास, इंग्लिश बाई नरेंद्र सर, ठीक है ना, NA, ऑल राइट, चेंज हो गया ये, आप लिख लो ये NARN, सिंपल नाम है भाई, छोटा सा नाम कर दिया मैंने, नाम तो नरेंद्र है ये वाला, NARN, ऑल राइट, इंग्लिश बाई नरेंद्र सर, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहां पे लिंक ले लेना मेरे से, ऑल राइट, इतना तो कर सकते हो ना। ओके ओके, सो गाइज रिमेंबर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत जरूरी है, सारी बातें करना बहुत जरूरी है भाई, जो लोग नया आता है, 9 to 10 द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ग्रामर यू विल एवर सी। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज और डिफिकल्ट स्टोरीज, बट आई विल मेक देम लाइक सॉल्व, एंड आई विल मेक श्योर कि आप उनको सेकेंड्स में सॉल्व कर पाए, बिलीव नहीं होता है जाके पुराने वीडियोस देख लो, आप खुद सॉल्व करोगे सेकेंड्स में। ऑल राइट, अक्षय ने बोला है, देखो अक्षय, आई वॉच फॉर एग्जाम्पल वीडियो सर, नाइस वीडियो, थैंक यू अक्षय, सब लोग वॉच कर लेना, ठीक है, अगर आपने वॉच नहीं किया हुआ है, आपका बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप खुद सॉल्व करोगे, आपको किसी टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा पेज है, कोर्स पेज है, ये देखो, कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये राइट नाउ चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे, जो पैड प्रोग्राम है, आप वहाँ पे भी आ जाओ और यहाँ पे भी रहो, दो जगह साथ में चलो, IPS को कोई नहीं रोक सकता है, तुम सारे के सारे वहाँ पे आ जाओ, बहुत अच्छा बैच चल रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ स्टोरीज है, यहाँ पे एक 1 आवर ही हमारे पास में, ज़्यादा कहानी कह नहीं पाता, वहाँ पे 2 आवर्स है, एक टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम करता हूँ मैं, उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस एंड एडवांस क्वेश्चन, ठीक है, बी क्रॉस ऑल द लिमिट्स इन 2 आवर्स, ठीक है, सो सी यू देयर, दिस इज माई कूपन कोड, यूज माई कूपन कोड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, नरेन लाइव, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, सब्सक्राइब कर लो भाई। ऑल राइट, ऐसा नहीं है कि यहाँ से हेल्प नहीं होगा, यूट्यूब से हेल्प होगा, अरे 2 साल लग गया तो क्या प्रॉब्लम, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि नहीं, मेरी स्टोरी सुनते सुनते कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, इफ इट टुक टू ईयर्स टू बी रेडी कंप्लीटली रेडी फॉर द एग्जाम्स, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि पैरेलल प्लस पे भी आ जाओ और यहाँ पे भी रहो, ठीक है, नाउ चॉइस इज योर्स, यू वांट रिजल्ट इन 6 मंथ और यू वांट टू टेक 2 ईयर्स, द चॉइस इज योर्स। तनुजा हेलो, ओके स्टार्ट करें गाइज, स्टार्ट करें, लास्ट 2 वीडियोज अगेन, द न्यू गाइज कौन कौन था, नो वन एंड ऑल गाइज, इसी टॉपिक का 2 वीडियोज आज, ये खत्म, सेशन खत्म होने के बाद वॉच कर लेना, ठीक है, एंड प्लीज लीव अ कमेंट ऑन ईच वीडियो, मुझे बताना कैसा लगा सेशन, कुछ गलत लगा तो बता, हाँ कुछ समझ भी नहीं आया तो पक्का लिखना, मैं कमेंट इसलिए आपका चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे पता चलना चाहिए आप वॉच कर रहे हैं, सो दैट आई कैन चेक योर प्रोग्रेस, एंड सेकेंडली कोई डाउट रह गया, मुझे पता है कि एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, ठीक है, तो वो चीज़ मैं क्लियर रखूंगा, मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। ऑल राइट, उमा शंकर, कविता, गुड आफ्टरनून, ज्योति, ओके यू आर बैक, तनुजा यू आर बैक, अब्दुल खालिद खान साहब आप भी आ गए, प्रियाव्रत, इज इज योर फर्स्ट क्लास, इंग्लिश बाई नरेंद्र सर नहीं, इंग्लिश बाई नरेंद्र सर, NARN टेलीग्राम ग्रुप, ओके, नो वन प्लीज हेल्प, अरे देखा सर,
क्या हेल्प करना है भाई आपको भाई? ओके, मिल जाएगा सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी, देर आर 1 मिलियन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मोर देन 10 लाख से ज़्यादा वर्ड हैं, ठीक है। हम सारा याद नहीं कर सकता, बट याद रखो दो बातें। देखो, ट्रिकी जितना वोकैब है या जितना रेलिवेंट वोकैब है मैं कराऊंगा अपनी क्लासेस में, लेकिन हर एग्जामिनर कौन सी वोकैब पिक करता है? अजीब सी नहीं, एवरीडे लाइफ वाली वोकैब, डेली लाइफ का वोकैब पिकअप करता है। तो वो कहाँ मिलती है? न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो अगर आप न्यूज़पेपर का वोकैब अपनी डायरी में अगर लिख लो, तो इसका मतलब है आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि व्हाट इज अबाउट टू कम इन एग्जाम्स। मैं भी पढ़ता था, मैंने पहले ही बताया, फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, कि गाइज मैंने आज से 10 साल पहले 12 साल पहले जब भी स्टार्ट किया था इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना, ठीक है, एक इंटरेस्ट लेकर के, तो मेरे भी सर ने मुझे बताया था कि वोकैब ऐसे ऐसे करो, करना स्टार्ट कर, बिलीव कर लिया था बस, ठीक है ना। और दैट चेंज्ड माय लाइफ कम्प्लीटली। मैंने एक डायरी बनाई थी, आज तक मेरे पास में है, सारे एग्जाम, चाहे कैट एग्जाम हो या फिर बैंक ऐसे कोई भी एग्जाम हो, सारे उसमें लगभग 4,000 के आसपास वर्ड्स होंगे। मैंने छोड़ दी थी पहले ही, 4,000 वर्ड्स हो गए थे। हर एग्जाम में मेरी बुक कैब, मेरी उस डायरी से बुक वो मिलता था वोकैबुलरी। मैं कहता था भाई ऐसा कैसा, मैं सब जानता हूँ क्या? ऐसा तो नहीं है यार, 10 लाख वर्ड में सब कैसे जान सकता हूँ? पता चला कि एग्जामिनर न्यूज़पेपर से बुक कैब पिक करता है, और मैंने न्यूज़पेपर से सारा निचोड़ लिया था, समझ गया कि नहीं। तो अगर मैं उस डायरी को प्रॉपरली एक बुक में बना दूं, ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। मैं भी किसी दिन ट्राई करूंगा, लेकिन राइट नाउ आप अपनी स्टोरी को ब्लॉकबस्टर बनाओ। प्लीज़ कन्विंस, गेट कन्विंस्ड, बी कन्विंस्ड, एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, द सिनोनिम, द एंटोनिम, द एग्जाम्पल सेंटेंस, द मीनिंग, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन। This is the real way. Everyone has done it. So you have to, okay? आपको भी करना पड़ेगा. Okay. Book नहीं बना, बस बता रहा हूँ मैं भी किसी दिन कर लूँगा मैं, अगर time मिला तो, ठीक है? I'll work on the book as well. चलो guys. तो इसीलिए मैं आपको भी convince करना चाहता हूँ. I have lived it. ठीक है, एंड आई नो कि इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है. तुम किताबों से रटने जाओगे, वोकैब याद होगा, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट करंट अफेयर कहाँ से लेके आओगे, बैंकिंग अवेयरनेस रेट कहाँ से लेके आओगे, स्टैटिक जीके कहाँ से लेके आओगे, ऐसे का राइटिंग कहाँ से लेके आओगे, एंड आपका रीडिंग स्किल्स कैसे बढ़ेगा, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ेगा आपका, ठीक है। हाउ विल यू आंसर द क्वेश्चन इन इंटरव्यू, हाउ विल यू लाइक डिस्कस इन ग्रुप डिस्कशन, इन ग्रुप एक्सरसाइज, ओके, इनका आंसर कौन देगा? द नेशन वॉन्ट नो, ठीक है। मोदी जी से क्वेश्चन पूछोगे क्या? मोदी जी नहीं है, मोदी जी तो डिस्कवरी चैनल पर चले गए आराम से घूमने के लिए, आप यहीं रह जाओगे। All right. Okay. So let's start. मुझे बताना कितने वाले आप इसमें से जानते हो। चलो भाई लो। Okay. The first one we have government and government. और ये मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर कैसे पूछने वाला है। इन पर एक मैं क्विज भी लेके आने वाला हूँ। Okay. क्विज भी कराऊंगा और रिवाइज भी कराऊंगा, सब कुछ कराने वाला हूँ। अभी बस कॉन्सेप्ट और याद कर लो लास्ट, ठीक है। एंड आई रिमेंबर कल सेशन, लास्ट सेशन के बाद में किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे फोटोज भेजे थे। अब मतलब कल 57 आई थिंक, पता नहीं कौन सा बच्चा था, अभी है कि नहीं पता। उसने क्या करा कि जो जो मैं अभी लिखा रहा था वो पूरी अपनी डायरी में लिखता जा रहा था, वर्ड, उसका मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में जैसे भी समझ पा रहा था, उसने पूरा नोट डाउन किया था, वो अब कभी नहीं भूल सकता। मैंने समझाया और उसने पूरा लिख लिया। आप भी ऐसे किया करो। ओके, तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट बिक गई है, वो जो लेडी का यूट्यूब पे फेमस हुआ था वो वाला गवर्नमेंट बिक गई है, वो वाला नहीं है। गवर्नमेंट इज अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, मतलब भाई मिल जाए, मेरी टेबल पर राइट नाउ क्या क्या रखा हुआ है खाने के लिए, ठीक है, तो मतलब जो मिल जाए बस खा लिया भाई, दैट पर्सन इज गवर्नमेंट, ठीक है। अ पर्सन हु इंजॉय ईटिंग एंड ऑफन ईट्स टू मच, बहुत ज़्यादा खाने वाला बंदा, देखो तभी तो ये सेहत हो रखी है, ठीक है। सिक्स पैक नहीं है मेरा, सिंगल पैक बन गया है, फैमिली पैक। तो मतलब समझ गए कि अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, ईट्स टू मच, गवर्नमेंट, GOURMANT, एंड GOURMET। अब प्रॉब्लम क्या है कि एग्जामिनर लिखता इसको है लेकिन ये स्पेलिंग डाल देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, लेट्स रिवाइज, रिमेंबर, लर्न ऑल दीज वर्ड्स, द डिफरेंस, एंड देन एग्जाम में जब आएगा वी विल गेट आवर मार्क्स, ठीक है। गाइज रेडी हो ना सब लोग? वन लास्ट टाइम बोल दो, सब लोग रेडी हो? ओके, ऑल राइट, जस्ट अ मोमेंट।
एसी बहुत ठंडा कर रहा है. ओके एंड गॉरमेट क्या है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ईटिंग बट गॉरमेट इज अ पर्सन, दिस पर्सन GOURMET इज अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता नहीं है. बट एक होता ना कि आपने वो देखा होगा मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, मास्टर शेफ इंडिया, तो कुछ लोग होते हैं ना दे टेस्ट फूड ओनली, दे टेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स. चलो वो तो जजेज होते हैं, लेकिन इमेजिन करो एक पर्सन जो जो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप फूड को टेस्ट करना पसंद है उसको, ही वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, बट वो ज्यादा नहीं खाता. तो अ पर्सन हु हैज अ डिफरेंट टेस्ट एंड ही वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग, ठीक है, और उस चीज के लिए बहुत वो पैशनेट है, ठीक है. गवर्नमेंट क्या है, आलू मिल गए इतने खा जाएगा, ठीक है ना, समोसा मिल गया खा जाएगा, लेकिन दिस गाय थोड़ा थोड़ा खाएगा जस्ट फॉर पैशन, जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. समझ में क्लियर हो गया? शुभांगी, ठीक है, थैंक यू, मुझे आइडिया मिल गया. शुभांगी, विभू श्रीवास्तव, देखो एक तो चैनल है, ग्रुप है, जिसमें अनअकैडमी का टी शर्ट लगा हुआ है ना, वो मेरा फेस है, और वो इंग्लिश बाई नरेंद्र सर, उसमें मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है, ज्वाइन कर लेना. आप कोई सा ज्वाइन कर लो, मैं गाइड करूंगा आपको, डोंट वरी. शुभांगी तोड़मल, IBS PO के लिए मैं पक्का लेके आता हूँ. थैंक यू, आई हैव गॉट एन आइडिया, ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा. विकास आशिका, गवर्नमेंट फूड लवर, यस. अंशिका ने सही बोला, फूड लवर, तो दिस वन इज फूड लवर. ये खाता नहीं है, जैसे हम प्यार करते हैं उसे खाते नहीं है, बस उसे थोड़ा सा टच करते हैं. समझ गया? ऑल राइट, तो दिस पर्सन टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स एंड हैव अ पैशन, कॉनेसर बोलते हैं, और ये वाला कुछ भी मिल जाता है. क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लियर, कोई क्लियर बताओ गाइज, फर्स्ट क्लियर? यस यस, ज्योति, idioms, वन words, everything. अरे तुम हमारी क्लास में आओ यार डेली, लास्ट 15 वीडियोस पक्का बॉच खत्म कर दो, और डेली वाले भी करो, यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशन, ठीक है. ऑल राइट, हाँ, डिफर एंड डिफर, इसमें जानते हो आप लोग? सी, डिफर मीन्स पोस्टपोन कर देना, मीटिंग डिफर हो गई, एनी एक्टिविटी जो पोस्टपोन कर दो, इफ यू पोस्टपोन एनी एक्टिविटी तो क्या होगा, डेफर्ड. रीड करो, डिफर मीन्स पुट ऑफ, कैंसिल कर देना, ठीक है, खिसका देना और पीछे, कंसिडर टू फ्यूचर टाइम, ठीक है. आज जो क्लास होने वाला था अगर वो डेफर्ड हो गया, मतलब नेक्स्ट 2-3 days में होगा, फ्यूचर के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया, दिस इज डिफर. एंड DIFFER, डिफर मीन्स डिफरेंस वाला, ठीक है ना, डिफरेंस दैट वी ऑलरेडी नो. ओके, आदित्य कुमार, बस ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, मैसेज जाएगा. गाइस, जैसे जो जो क्लियर होता जाए वो टाइप करते जाना, 2 clear जस्ट टाइप 2, 3 क्लियर जस्ट टाइप 3, एंड इफ डाउट तो लिखना 3 doubt, 2 doubt, 1 doubt, 16 doubt, तो मैं समझ जाऊंगा. जिनको डाउट आई एक्सप्लेन, एंड जिसका क्लियर है ऑसम. तो गाइस, अब तक गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्लियर, गवर्नमेंट बहुत खाता है, गवर्नमेंट इज अ फूड लवर, ठीक है, हु टेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, लेकिन ज्यादा नहीं खाता. दिस इज पोस्टपोन कर देना, और दिस इज डिफरेंस. ऑल राइट, द नेक्स्ट वन, डिफिडेंट एंड डिसिडेंट. डिफिडेंट इज लैक ऑफ, ठीक है, लैकिंग कॉन्फिडेंस, DIFFIDENT, डिफिडेंट मीन्स लैकिंग कॉन्फिडेंस. ओके, एंड डिसिडेंट वाला ये देखो, डिसएग्रीमेंट, तो डिसिडेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट. ओके, एंड डिफिडेंट means a person who's lacking confidence. अब रीड कर देते हैं, his tone was soft and diffident. Tone क्या थी? Lacking confidence थी, but words were very clear. Words were very clear, but tone was lacking confidence. ठीक है ना? Okay. Yes, Anshika, shy. All right. And dissident means disagreement. This dissident groups, a group जिसमें क्या disagreement है, dissident group have diverse methodologies. क्लियर? 3 clear. 4 number, सम ऑफ 4, डाइग्रेस एंड रिग्रेस. डाइग्रेस मीन्स टू स्ट्रे, भटक जाना, मुद्दे से भटक जाना गाइज, ठीक है ना, डिपार्ट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट. वी वर डिस्कसिंग हाउ टू रीड न्यूज़पेपर करेक्टली, एंड देन सडनली वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द न्यू मूवी कलंक, नहीं, व्हाट वॉज दैट, मेंटल, आई डोंट नो, द एनी मूवी, द स्टार वॉर्स, द एंड गेम. ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर करेक्टली, दैट वॉज आवर टॉपिक, एंड सडनली वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इन्फिनिटी वॉर्स, ठीक है, द एंड गेम मूवी.
तो अब हम लोग क्या हो गए, डाइग्रेस हो गए, भटक गए थे हम लोग. ऑलराइट, ओके. तो डाइग्रेस मीन्स टू डिपार्ट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग. ठीक है, स्पीच में राइटिंग में मेन सब्जेक्ट से भटक जाना डाइग्रेसिंग हो गया, डाइग्रेशन हो गया. हाँ, यस सुनिग्ध, जजमेंटल. थैंक यू सुनिग्ध, थैंक यू. जजमेंटल, ओके. रिग्रेस मीन्स टू गो बैक. 5,000 साल पुरानी सोच के सोच में चले जाओ तो रिग्रेस माइंड हो गया. राइट नाउ माइंड क्या है हमारा, ठीक है ना, वेरी आउट स्पोकन एंड एवरीथिंग, बट रिग्रेस मीन्स टू गो बैक. ये वाला बैकवर्ड, गो बैक. थिंग्स केम टू सच अ पास दैट द स्कूल अथॉरिटी रिग्रेस्ड टू द ओल्ड रूल्स. पुराने रूल्स चल रहे थे वही फॉलो किया हमने. तो टू गो बैक मीन्स रिग्रेस, और डाइग्रेस मीन्स भटक जाना. ठीक है ना, ओके. फोर क्लियर, फोर क्लियर. ये छोटा सा वर्ड सा आपको लग रहा है, इनका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है. जब ये एग्जांपल में आएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा लगाऊं, डिफर की डेफर लगाऊं. बट ऐसे अगर आप याद कर लेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, अगेन डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, इसको चलो पता करते हैं. तो ये वाला जो स्पेलिंग है ना, डिस्क्रीट एडवाइस मतलब वाइज एडवाइस. आपको किसी पर्सन ने आके बोला, हे इफ यू डू दिस एंड डू दैट You will become successful, awesome person, comfortable, peaceful person. ठीक है, तो वो एडवाइस क्या थी हमारी, डिस्क्रीट एडवाइस थी, वाइज एडवाइस, द बेस्ट एडवाइस एवर. ऑलराइट, ओके, ओके. तो देखो, डिस्क्रीट मीन्स डिस्प्लेइंग वाइज रिजर्व इन वन्स स्पीच. जब आप अपनी स्पीच में कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो कि बहुत वाइज होती है, तो वो डिस्क्रीट होगा. बींग प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स वाइज एंड केयरफुल, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, DISCRETE. डिस्क्रीट मीन्स होता है सेपरेट, इंडिविजुअल, समझने के, ये वाला डिस्टिंक्ट, जानते हो, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स. ओके, तो दिस मीन्स डिफरेंट डिफरेंट आइटम, सेपरेट आइटम, दिस. ऑल राइट, डिस्टिंक्ट, एंड दिस वन इज वाइज. ये दिमाग करता है नॉलेज वाइज एडवाइस से, और दिस वन टॉक्स अबाउट डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स. तो प्लीज अपनी कॉपी में लिखते चले जाओ स्पेलिंग्स, इतना टाइम तो मिल रहा है, और एक्टिव हो जाओ, सामने देखते रहो, सुनते भी रहो, लिखते भी रहो. और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना, एक एक सिंपल वर्ड्स लिख लो, आपको याद रहेगा. ऑल राइट, कितना लोग नोट्स बना रहे हैं, कितना लोग नोट्स बना रहे. डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, बहुत एरर आती है इस वर्ड वाले पे. जब मैं शुरू में इसको पढ़ाता, आज से शायद 7-8 साल पहले इस वर्ड को पढ़ाता मैं भी, ठीक है, हम सब भी तो सीखते हैं ना बॉस. तो मैंने कहा इनका मीनिंग तो यार ऑलमोस्ट इनका ये होता है कि बीमारी से रिलेटेड, बट इंटरचेंज हो रखा था कैट एग्जाम में. ठीक है, तो अब जब ठीक है पता चल गया, आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको. तो गाइस सुनो, डायग्नोसिस क्या होता है, बीमारी से पहले वाला जो होता है ना, बीमारी आपको हो रखी है लेकिन उसको फाइंड आउट करना जो प्रोसेस होता है वो डायग्नोसिस होता है, टू फाइंड आउट समथिंग. बट डायग्नोसिस अगर हो गया और उसके बाद जो प्रोसीजर होता है ना, व्हाट इज अबाउट टू हैपन, ये ठीक होगा मरीज के नहीं होगा, जो प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है ना, दैट इज प्रोग्नोसिस. समझिए, आप एक इमेजिनेशन करो, एक लैब में जाते हो, डॉक्टर लाल पैथ लैब में जाते हो, सबने सुना होगा. ठीक है, तो आप जो पहले जा रहे हो ना, और वो जो चेकिंग करवा रहे हो क्या बीमारी है, दैट इज डायग्नोसिस. फिर वो 8 घंटे कहता है, सर 8 घंटे बाद आना, आपको रिपोर्ट मिलेगी. और रिपोर्ट मिलने के बाद डॉक्टर जो बताता है कि ये करने वाले हम लोग ऐसे ठीक हो गए, वो क्या है, प्रोग्नोसिस है. याद रखोगे, वैसे प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है भविष्य बताना, कि व्हाट इज अबाउट टू कम. तो देखो, डायग्नोसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डिसीज. डिसीज का डिटरमाइन करना, कैसी डिसीज है, बुखार है कि भाई फोड़ा हुआ है, क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू, या पिंपल्स हुआ है, ठीक है ना, कैंसर हुआ है, वो पता करना. फिर जब पता चल गया उसके बाद क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज प्रोग्नोसिस. इज इट क्लियर नाउ गाइज, इज इट क्लियर. एन ओपिनियन बेस्ड ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइकली, लाइकली कोर्स मीन्स क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दैट, पता तो चल गया क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, गोलू को समझ में नहीं आया. गोलू इमेजिन करो, ठीक है, मतलब देखिए, सपोज कि आपको कोई एक छोटी सी बीमारी हो गई,
मैं बड़ा बीमारी नहीं बोलूँगा, ठीक है, ऑफेंसिव होगा, मैं बोलता हूँ आपको छोटे से बीमारी हो गई और आप है ना डॉक्टर के पास, कहाँ पे आप है ना लेबोरेटरी में जा रहे हो चेक कराने के लिए अपना ब्लड सैंपल, तो वो क्या हो रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है। गोलू समझ रहा है ना, तुम अभी राइट नाउ इमेजिन करो एक एक कंपाउंडर के पास जाते हो अपना ब्लड सैंपल लेकर के, और जो जो अभी जो फर्स्ट स्टेप है ना डायग्नोसिस हो रहा है, पता चल रहा है हे व्हाट हैपेंड टू योर बॉडी, टू फाइंड आउट फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस हो रहा है। अब गोलू रिपोर्ट आ गई 10 दिन, ठीक है, 10 घंटे बाद, अब क्या हम करेंगे, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस इलनेस सिकनेस, दैट इज प्रोग्नोसिस, द प्लान द लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन, अब क्या होगा, दैट इज प्रोग्नोसिस। अब क्लियर है गोलू, बता गोलू, बता जल्दी से। गोलू पांडे क्विकली, ये वर्ड बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम्स में आपको, ठीक है, कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट एलर्जी एंड यूरोलॉजी, गोलू का कमेंट नहीं आया अभी तक, तो गाइस सुनो, एलर्जी मीन्स अ रिटन पोइम, अ रिटन टेक्स्ट सैडनेस, अ टेक्स्ट अ पोइम, ठीक है, एन लिटरेचर, ठीक है, विच इज अबाउट द सैडनेस, सैड थिंग्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी, ई एलर्जी भाई। तो एलर्जी मीन्स अ मोर्नफुल, मोर्नफुल तो जानते हो ना, सैड, ठीक है ना, प्लेनेटिव पोइम और सॉन्ग, लेमेंट ओवर डेड, जो कोई पर्सन मर जाता है फिर उसकी याद में कुछ अगर निगेटिव, अगर एक सैड सॉन्ग बनाया जाए तो वो क्या होता है, ई एलर्जी भाई। और योलॉजी क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट, योलॉजी मीन्स प्रेज करना, किसी की प्रेज, टू राइट अ पोइम इन द प्रेज ऑफ समबडी, किसी की पोइम में एक अच्छा सा कविता बना दो, योलॉजी होता है, ठीक है। तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ऑल राइट, पॉजिटिव मीनिंग, दिस इज निगेटिव मीनिंग, ऑल राइट। गोलू पांडे क्लियर हो गया, सुभाष मेहता ओके, आपको भी क्लियर हो गया। प्रियंका गहलोत, प्रियंका आपने पहले कभी क्लास किया है मेरा, अगर आपने पहले क्लास नहीं किया है, अगर बाकी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, गो वॉच माई प्रीवियस वीडियोस, L1, L2, L3, L4, L5, वॉच माई पैरा जंबल, कंडीशनल सेंटेंस, इन्वर्जन, ठीक है, एंड अगर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा पा रहे हो तो एटलीस्ट अभी 2 क्लास पहले का कर लो, मोस्ट कन्फ्यूज वर्ड Part 1, Part 2, दिस इज Part 3, ऑल राइट ओके। जो लोग फर्स्ट टाइम आए प्लीज बताओ मुझे, दिस 7 सबको क्लियर, ओके, इरेजिबल एंड इरेसिबल, आओ ये वाला चेक करता है। तो देखो इरेजिबल तो क्या है, इरेजर, इरेजर होती है, बचपन में हमारी इरेजर टूट जाती थी बेचारी, उसको तब भी घिसते थे हम लोग, ठीक है ना, आपका पता नहीं, हमारा तो वो स्टोरी रहा है, पेन और पेंसिल वाला सबसे बड़ा स्ट्रगल यही रहा है, जो पेंसिल हुआ करता था ना HB वाला, ठीक है, और इरेजर वाला, बेचारे टूट टूट के इतने हो जाते, इतने इतने से लिखते थे हम लोग, ऑल राइट। चलो तो इरेजर वाला तो क्या है, डिलीट कर देना, इरेजिबल रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी रब्ड, रिमूव्ड और स्क्रैप्ड, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं ना, इरेज कर दूं, तो ये तो इरेजिबल हो गया। ये ट्रिकी है, IRASIBLE, इरेसिबल, इरेसिबल इज अ पर्सन जो इजीली गुस्सा हो जाता है। आप अपने मोहल्ले में कोई दादाजी या कोई बच्चा, कोई लड़का लड़की आंटी को देखा होगा, कोई अजीब सा साउंड कर दो की कू का और वो बूम गुस्सा हो जाएगा, फिर दुनिया भर की गाली सुनाएगा आपको, याद है ना, कुछ ऐसे लोग, आई एम श्योर यू नो सच पीपल, यू नो दे गेट इरिटेटेड बाई एनी साउंड, एनी एक्टिविटी, यू जस्ट नॉक समथिंग यू नो इन फ्रंट ऑफ देम, दे विल गेट इरिटेटेड। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो क्विकली गुस्सा हो जाते हैं, ओके। सो गाइस इरेजिबल, द न्यू कंपनी प्लान्स टू ऑफर इरेजिबल पेंस, ऑलराइट ओके। इरेजिबल मीन्स इजिली प्रोवोक्ड, जल्दी से भड़क जाता है, एंड एंगर वेरी इरिटेटेबल, अ पर्सन ईजिली इरिटेट हो जाता है। चलो द इरेसिबल ओल्ड मैन हैड अ वेरी काइंड हार्ट, लेकिन एक बुढ़ा था, एक ओल्ड मैन जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता, लेकिन उसका दिल बहुत काइंड था, अब ठीक है ना, ही हैज़ अ वेरी काइंड हार्ट बट ही वॉज वेरी इरेसिबल ओल्ड मैन, ऑल राइट। कौन सा वाला क्लियर नहीं है, अच्छा सुनो, जो क्लियर नहीं होता है प्लीज उसका नाम लिखा करो, 8 not clear, 7 not clear, please ऐसे लिखा करो,
ठीक है, सो दैट आई कैन नो कि आपको कौन सा वाला रिपीट करना है. प्लीज बी स्पेसिफिक. ओके, नेक्स्ट. चलो गाइज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली. ये वाला वर्ड पता है मैं कैसे बोलूंगा, मैं अपने जब कैट का कोचिंग करता था, आई रिमेम्बर माई टीचर लाइक टीचिंग दिस वर्ड. उन्होंने एक स्टोरी बताई थी और कितना काम आता है अगर वर्ड्स पता ना हो मीनिंग. तो मैं वो स्टोरी आज आपको बताऊंगा. देखो, एपिटाफ एंड एपिथेट, ये दोनों वर्ड कभी सुने थे पहले आपने? इतना बताओ, इसका तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है इस वाले का. अच्छा, 8 नंबर रिपीट करूँ मैं. देखो, प्रिया गहलोत, मैं देखो हटाता हूँ ये. 8 नंबर को रिपीट करता हूँ, वही डाउट है. इरेजेबल मीन्स इरेज करना, रब कर देना, मिटा देना. तुम कुछ अपनी कॉपी में लिखो, इरेजर से इटा देना, तो समथिंग दैट कैन बी इजिली इरेज्ड, इरेजेबल हो गया, मिटा देना. और ये आई आर एस विल मीन्स गुस्सा करना, अ पर्सन हु इजिली प्रवोक्ड, अ पर्सन हु इजिली गेट्स एंग्री. सिंपल तो है बॉस, आप शायद फोकस नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई आप मिस कर रहे हो पॉइंट को, ठीक है ना? तो प्लीज स्टे फोकस्ड. ओके, 9 नंबर है. एपिटाफ क्या होता है एक्चुअली? देखो, एपिटाफ क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, जो चर्च वाले होते हैं ना, चर्च द क्रिश्चियन पीपल, और जब उनको दफनाया जाता है एंड देन उनका एक टॉम बनाई जाती है और उस पर लिखा जाता है, ठीक है, दैट थिंग इज एपिटाफ. व्हाट वुड यू लाइक टू बी, ठीक है? तो मेरे सर ने मुझे बताया था कि एक बच्चे से इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट, अब सुनो सुनो सुनो, इमेजिन करो, मुझे कहानी याद आ गई. इमेजिन करो कि क्रिश्चियन लोगों का जो होता है ना, जहाँ पे कि उनको दफनाया जाता है और फिर वहाँ पे एक पत्थर होता है, वो पत्थर पे कुछ लिखा जाता है, इन द मेमोरी ऑफ समथिंग, यू नो, बिलव्ड, ऐसे कुछ लिखते हैं ना हम लोग, दैट इज एपिटाफ, द रिटन टेक्स्ट, ठीक है, दैट एरिया, दैट एवरीथिंग. ओके, तो एक इंटरव्यू में एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा था, आई एम अहमदाबाद में या पता नहीं कहाँ पे, कानपुर में, आई डोंट नो, लखनऊ. तो पूछा था कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिटन, ठीक है, ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिटन ऑन योर एपिटाफ, आप अपने एपिटाफ पे क्या लिखवाना पसंद करोगे वंस यू आर डेड, ठीक है? तो उसने बोले, पता है क्या रिप्लाई दिया था? अच्छा, आप बताओ क्या रिप्लाई होगा. चलो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मजे लेते हैं. हाँ, सोल्जर्स का हो या किसी का भी हो, अंशिका, ठीक है. निहित गोयल, ओके, यू आर बैक. निहित, फाइनली बताओ आपने कितना वीडियोस वॉच, हाउ मेनी ऑफ माई टॉपिक्स हैव यू नो लाइक वॉच्ड ऑलरेडी, ठीक है. जस्ट टाइप द टॉपिक्स, अगर कुछ नहीं किया है तो फिर देर इज नो पॉइंट ऑफ यू अटेंडिंग माई क्लासेस, ठीक है. एंड अगर आपने कर लिया देन यू आर कन्विंस्ड. तो गाइज बताओ, वॉट वुड यू लाइक टू बी रिट नो टू बी रिटन ऑन योर एपिटाफ, वंस यू आर डेड, यू लिव्ड अ ग्लोरियस लाइफ, हैप्पी लाइफ, एंड देन आपकी मेमोरी में जो लगेगा ना, वो पत्थर लगेगा, तो वॉट वुड यू लाइक टू बी रिटन ऑन दैन एपिटाफ. एपिटाफ वो पत्थर होता है जिस पर लिखा जाता है. कोई यहाँ पे बताने वाला है, किसी के पास रिप्लाई? फिर मैं रिप्लाई बताऊंगा कि मेरे टीचर ने मुझे क्या बताया था जो स्टूडेंट ने बोला था. आई एम अहमदाबाद या लखनऊ के इंटरव्यू में था. ओके, नहीं, देन वी आर फाइन, नाउ यू विल बी कंटिन्यू. ओके गाइस, जल्दी बताओ. चलो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो मेरे वर्ड्स रह जाएंगे. तो उसने बोला था, समझ रहे, सौम्या ने बोला है, प्लीज रिमेम्बर यू आई एम गोइंग टू हेवन, इट्स ऑल अबाउट अचीवमेंट्स, ओके, स्वीट होम, माय गर्लफ्रेंड, रंजीत, माय गर्लफ्रेंड किल्स हिज एक्स, ओके, ठीक है. उस बंदे ने लिखा, उस बंदे ने इंटरव्यू में जवाब दिया, यू आर नेक्स्ट, ठीक है. तो ये जो क्विक थिंकिंग होती है ना, क्विक रिप्लाई होता है, बिटी रिप्लाईज, ये बहुत मैटर करता है. चलो, ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट, फाइनली अब आप याद रखोगे एपिटाफ, ठीक है, याद रखोगे ना एपिटाफ, और अच्छा सा लाइन रेडी कर लो, माई गर्लफ्रेंड किल्ड मी, यार ऐसे नहीं हो चलेगा. चलो ठीक है, एपिथेट क्या होता है? एडजेक्टिव्स होते हैं, गालियाँ,
हमारा विराट कोहली बहुत यूज करता है ये वाला, ठीक है ना। तो एपिथेट को विराट कोहली से याद कर लो, बहुत गाली देता है, अब तो नहीं देता शायद, पहले बहुत देता, अब देता तो अभी भी है, ठीक है ना। तो एपिथेट मीन्स कैन ऑल्सो बी सेंस ऑफ ऑफेंसिव वर्ड्स, देखे दैट इज यूज एज द वे ऑफ अब्यूजिंग इंसल्टिंग समवन और समवन अदर्स। तो अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं, अब यहां मत बोलना प्लीज कि सर एग्जाम्पल दूं क्या मैं, कोई है तो नहीं लिखने वाला रेडी, कोई रेडी बेटा सर गालियां देनी थी क्या, ये सर 50 एग्जाम्पल ले लो मेरे से, हिंदी संस्कृत इंग्लिश बिहारी, ऑल राइट ऑल राइट ओके। चलो फ्रेंड्स जनरली हैव वन एपिथेट आफ्टर अनदर एट ईच अदर, दोस्त एक दूसरे को बहुत गाली देते हैं, ऑल राइट। तो एपिटाफ मीन्स दैट स्टोन रिटन टेक्स्ट वंस यू आर डेड, एंड देन एपिथेट इज द गालियां जो आपस में सब लोग करते हैं। प्लीज डू नॉट गिव एनी एग्जाम्पल, डू नॉट गिव एनी एग्जाम्पल, मैं भी नहीं देने वाला ओके। या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ऑल बोस ओके। एपिग्राम एंड एपिग्राफ ओके। तो गाइस सुनो, अब इसको देखो, ये बहुत ट्रिकी ट्रिकी वर्ड्स हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कब गलत आ गया है और आपके गलत मार्क्स हो जाएंगे। न्यू पैटर्न है ये, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, न्यू पैटर्न इंग्लिश, आरबीआई, एसबीआई, आईपीएस, ठीक है ना, इंश्योरेंस एग्जाम्स एंड एसएससी एग्जाम एज वेल। एसएससी में कोई न्यू पैटर्न नहीं होता बट काम आएगा, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर मैनेजमेंट एग्जाम्स तो एग्जैक्टली काम आएंगे ये वर्ड्स एग्जैक्टली। आदित्य हरियाणा से लगते हो, हरियाणा वाला तो बिल्कुल ना देना, कहता हूं निजरूप पढ़ रहा है कि नहीं, कहता हूं निजरूप पढ़ रहा है कि नहीं, सही बोला क्या मैंने आदित्य ओके। तो एपिग्राम, एपिग्राम मीन्स एनी विटी, मतलब मजाकिया वाला, समथिंग दैट इज ह्यूमरस, ह्यूमरस इंजीनियस ओके, एंड पॉइंटेड सेइंग, खुद का क्रिएट किया हुआ। एपिग्राम इज मीन्स एनी विटी इंजीनियस पॉइंटिंग सेइंग टर्सली, और टर्स मीन्स होता है शॉर्ट, एस एच ओ आर टी, टर्स मीन्स शॉर्ट। देखो गाइस मुझे याद आ गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, मैं आपको एक चीज़ कराने वाला हूँ, याद आ गया आइडिया। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना ये सीरीज, मोस्ट कन्फ्यूज वर्ड का सीरीज, एक दो तीन चार पाँच दस क्लासेस में, फिर देन आई विल कम अप विद द वोकैबुलरी सीरीज, जिसमें कि क्या है, मैं मेरा एक तरीका और है वोकैब याद करने का, रूट वर्ड्स आऊँगा मैं, रूट वर्ड्स लेके आऊँगा मैं, जितने भी रूट वर्ड्स हो सकते हैं सब लेके आऊँगा। वोकैब क्लास कभी मिस मत करना, सारे यार दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। एक होता है ग्रुप के थ्रू याद करना, सपोज अगर कोई सैड वर्ड है तो सैड वाले जितने एडजेक्टिव्स होते हैं ना सारे एक साथ याद कर लो, हैप्पी वाला कोई वर्ड है तो उससे रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एक जगह लिख लो, एंटोनिम्स एक जगह लिख लो। मुझे अभी टर्स से याद आ गया, टर्स मतलब प्रीसाइज, कंसाइज, संक्षिप्त, एस यू डबल एन आई सी टी, ठीक है। तो ये क्या है, पूरी फैमिलीज में बताऊंगा, एक टाइप के वर्ड का ग्रुप बना के लेके आऊंगा मैं, ठीक है। रेडी हो ना वोकैब सीखने के लिए भाई लोग, सब बताओ डेली आओगे कि नहीं, ओके 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 ओके। नहीं तो नो कमेंट्स ओके ओके। हरियाणा एवरीबॉडी इज फाइन, सबके अपने अपने लर्निंग्स हैं, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट पीपल, ठीक है। सो डू नॉट जज एनीवन, ठीक है ओके। ओके नेक्स्ट। हाँ तो एपिग्राम क्या होता है, एक शॉर्ट ह्यूमरस टेक्स्ट होता है। एपिग्राम इज अ शॉर्ट रिटन टेक्स्ट, एक सिंगल सेंटेंस और सिंगल पैराग्राफ बट बट ह्यूमरसली विटी, राइट ओके। चलो आउट ऑफ हिज ह्यूज कलेक्शन वी कुड फाइंड ओनली अ फ्यू हाइम्स ओके। इस वर्ड का मीनिंग कोई बता देगा मैं उसको स्टूडेंट ऑफ द डे बोल दूंगा, दिस वन, ठीक है। इफ यू कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड यू विल बी द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास फॉर टूडे, जस्ट लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर का मूवी, यू विल बी द स्टूडेंट ऑफ द डे। प्लीज डू नॉट गूगल, ठीक है, डू नॉट गूगल, नो चीटिंग ओके ओके गाइज। तो एपिग्राम है मीन्स होता है अ टेक्स्ट रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड, ठीक है ना, ठीक है, भगवान का गीत, ठीक है ना ओके। तो ये क्या है एपिग्राम, फाइनली एपिग्राम क्या है, शॉर्ट रिटन टेक्स्ट दैट इज ह्यूमरस ओके, शॉर्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो एपिग्राफ,
एपिग्राफ क्या होता है कि इंस्क्राइब्ड, देख दीवार पे, अरे आपने देखा होगा नेताजी आते हैं, एक पुल बनता है और फिर एक नेताजी आते हैं वाइट कपड़ों में, ठीक है ना, बहुत गंदे से नेताजी, और वो आकर के फिर उसकी क्या ना फ्लावर डाल के और फिर वो जो शुभारंभ करते हैं उसका, इनॉग्रेशन करते हैं, तो इनॉग्रेशन के टाइम पर वो जो लिखा होता है ना टेक्स्ट, वो एपिग्राफ है। एपिग्राफ इज दैट टेक्स्ट, अ बिल्डिंग, ठीक है ना, अ ब्रिज इनॉग्रेटेड राइट, एंड देन नेताजी फ्लावर, ठीक है, देन वी हैव दैट, ऑल राइट, याद हो गया होगा, मीन्स एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ बिल्डिंग स्टैच्यू, ठीक है, द लाइक एज द स्टैच्यू वॉज अनवील्ड, सरदार पटेल की अनवील्ड हुई स्टैच्यू और वहां पे जो लिखा होगा उनके लिए वो एपिग्राफ है। दोनों क्लियर? ओके, अगेन इट लुक्स वेरी सिंपल बट दिस इज कंफ्यूजिंग। मैंने छिपा लिया टेक्स्ट, बताओ कितने लोग इसको जानता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यू गाइज अटेंड माई क्लास एवरी डे या फिर यू अटेंड माई क्लास एवरी डे, जल्दी से कमेंट में बताओ। प्लीज डू नॉट रीड, मैं इसको छिपा लेता हूँ, मैंने छिपा लिया भाई, छिपा लिया सारा कुछ, छिपा लिया, ठीक है। संध्या संध्या संध्या, एपिटाफ इज फॉर डेड पर्सन, नेताजी मरा नहीं है, एपिटाफ इज स्पेशली फॉर डेड, और इन दिस केस, ठीक है ना, जस्ट प्लेन टेक्स्ट, डज इट नॉट अबाउट डेड और समथिंग। गाइज यू अटेंड माई क्लासेस एवरी डे और एवरी डे, बताओ कौन सा स्पेलिंग सही है, प्लीज राइट, प्लीज राइट कमेंट। सुभाष्मिता गलत करती हो, ठीक है, सब के सब कचरा हैं। तनुजा ने सही बोला है, आई थिंक कविता सही बोला है, स्निग्धा गलत, ज्योति गलत, प्रियंका भी बोल रहा है, ओके। तो गाइस सुनो, वेन्यू से ना हर रोज मैं नरेंद्र सर का क्लास करता हूँ और मैंने सारे दोस्तों को भी बोला हुआ है कि आप भी पढ़ो सर से, ठीक है। तो वो क्या है, एवरी डे, हर रोज, एंड दिस इज एवरी डे। ये एवरी डे पता है क्या है, वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ एवरी डे फिनोमेना यार, हर रोज होता है, ठीक है ना। जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत सैड एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। पर्सनली बहुत बड़ा फील होता है कि जैसे गर्ल्स होती हैं उनके साथ में सड़क पे बहुत लोग कमेंटबाजी बदतमीजी करते हैं, तो फिर क्या बोलोगे, इट्स अ एवरीडे फिनोमिना यार, हर कोई बदतमीजी करता है, ठीक है ना। तो एवरीडे मीन्स वेरी कॉमन, हर रोज, वेरी नॉर्मल, ठीक है ना। तो देखो, एवरीडे मीन्स सच एज इज मेट विद एवरीडे, ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी, कोई चीज जब हर रोज होती है, ठीक है ना, तो एवरीडे फिनोमिना, नॉर्मल फिनोमिना, समझ गए ना, उसको बोलेंगे हम लोग, ओके। और ये हमारे पास में क्या है, हर रोज, एवरीडे, ठीक है, ये काउंट करने वाली बात है, और वो क्या है, नॉर्मल बात। दोनों एवरीडे हो रहा है, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल बात के लिए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज जैसे कि मैं अभी कहां पर रहता हूं, जैसे मैं उड़ीसा में रहता हूं, और उड़ीसा में भुवनेश्वर में रह रहा हूँ मैं राइट नाउ, और सपोज़ कि वैसे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, सपोज़ कि जैसे यहाँ पे क्या है, सी वाला एरिया है, ठीक है ना, बीच वाला एरिया है, और यहाँ पे हर रोज़ तूफान आए, सपोज़ एवरीडे, तो मैं बोलूँगा हे दिस इज़ एवरीडे फिनोमिना, यहाँ तो हर रोज़ पानी ऊपर नीचे निकल जाता है हमारे घरों के ऊपर से, हम आराम से अपना चाय पीते रहते हैं, दिस इज़ एवरीडे फिनोमिना ये, ओके। और आप बोल रहे हो कि मैं हर रोज़ समुद्र में अंदर जाता हूँ और वहाँ से व्हेल मछली को खींच के लेके आता हूँ, व्हेल मछली को किस करके आता हूँ मैं, द ब्लू व्हेल को, समझ गया। तो एवरी डे, ठीक है, आई टेक अ डीप डाइव इन द सी एंड आई किस द ब्लू व्हेल, समझ गया। तो वो हर रोज, अरे अब तो क्लियर हो गया ना बॉस, ओके। प्लीज फ्यू लाइन्स इन उड़िया, किच्ची बूझी नहीं है, किच्ची बूझी नहीं, ओके, दीज वर्ड्स किच्ची बूझी नहीं, ओके। गाइस अब बताओ, गाइस सबको क्लियर है ना, ओह सॉरी मैं रिमोट से चेंज कर रहा हूं, आप लोगों ने भटका दिया मेरे को। नेक्स्ट, हैंगर एंड हैंगर, गाइस हैंगर द फर्स्ट वन, तो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, मैं स्लो पड़ गया यार आपको कहानी सुनाने के चक्कर में।
ओके, हैंगर मींस अ प्लेस, यहाँ पर एरोप्लेन का पार्किंग होता है, आपकी कार पार्किंग होती है ना, बस पार्किंग होती है, ऐसे ही अ प्लेस वेयर द एरोप्लेन्स आर पार्क्ड वी कॉल इट हैंगर. हैंगर मींस रिलेटिवली इट्स अ हाउसिंग फॉर एयरप्लेन्स, एयरशिप्स, HANGAR. वो हैंगर कौन सा है? एरोप्लेन वाला. और ये वाला HANGAR, ये हैंगर कौन सा जो आप अपने घरों में यूज करते हैं? ये यूज, ठीक है, ओके, मींस ठीक है, कंट्रीवेंस ऑन विच थिंग्स आर हंग. जब हम कपड़ा लटकाते हैं, दैट इज अ हैंगर, ठीक है, वी यूज फॉर क्लोथ्स इन आर हाउस होल्ड्स एवरी, ठीक है. एंड देन हैंगर क्या है? हवाई जहाज वाला है. क्लियर? ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखो. अबे अब कोई भी कुछ भी पूछ रहा है. पधारो मारे देश. ऑलराइट, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय यूनिवर्स, ठीक है. पधारो मारे देश. ओके, हैंडसम एंड हैंडसम. क्विकली, हैंडसम तो सबको पता है भाई, कि भाई वो बड़ा हैंडसम है. ऑलराइट, बट हैंडसम की बात करते हैं. आओ इसको बात करते हैं. हैंडसम पता क्या होता है कि 200 ईयर्स बैक और 100 ईयर्स बैक वो क्या चलता था हमारा, कि टू हॉर्स, एक कार्ट, घोड़ा गाड़ी होता ना, घोड़ा गाड़ी, अ कार्ट, देयर आर टू हॉर्स एंड द पर्सन सिटिंग ऑन द बिहाइंड, ठीक है, लोग बीच में बैठ गया, द पैसेंजर एंड टू हॉर्स एंड द गाय राइडिंग द कार्ट, ठीक है ना, सिटिंग बिहाइंड, तो वी कॉल इट हैंडसम. हैंडसम क्या है? घोड़ा गाड़ी होता था हमारा. अरे आप गुजराती वाले आ गए, अबे क्या करते हो, ठीक है ना. देखो अगर आप है ना ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो काकड़ा फाकड़ा फेंक के मारूंगा मैं, ध्यान रखो भाई. मुझे बुक ऐप चाहिए, मुझे रूल्स चाहिए, मुझे न्यू पैटर्न इंग्लिश चाहिए, ठीक है, टाइम पास नहीं चाहिए, नहीं तो खाकड़ा फाकड़ा और केमछो मजामा हो जाएगा फिर आप सबका. ओके नेक्स्ट देखो, हियर से, ये बहुत अच्छा वर्ड है. Thousand times have been asked in different exams, in SSC exams, in bank exams, in CAT exam, in every exam. These two words, ठीक है, please be careful, ठीक है. Are you aware of these two words? Okay guys, hearsay मतलब होता है unverified, unofficial information, मतलब the wrong information. आजकल बहुत चल रहा है, दिस इज हैपनिंग एवरी डे ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, स्पेशली ऑन व्हाट्सएप. एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ अनवेरीफाइड न्यूज एंड यू गाइज इजिली कन्विंस्ड. तुमको पता भी नहीं चलता है, बस लिखा आता है एक टेक्स्ट करके, आप कहते हो भाई टेक्स्ट बनाए तो बस यही भगवान का सच है, ठीक है ना, एंड देन यू बिलीव इट, ठीक है. दोज गाइज दे आर लाइक ब्रेन वॉशिंग यू ऑल द टाइम. So guys, do not believe on any information shared on WhatsApp. ठीक है, they are tricking you. There are some people sitting in India. They have an agenda. They are tricking you. ठीक है, so please do not watch TV anymore. Please do not read anything on like just read novels, just read some useful news in newspaper and your DIs, your puzzles and my classes. Do not believe or hear anything. So this is negative. Okay, hearsay, unverified news. Okay, and this heresy, this is like, hey, like if I'm Hindu, suppose, of course I'm Hindu, and Christian people ke against if I say something, theek hai, they believe in God, Jesus and everything, you know, like they respect, believe and love Jesus, or if I say something, theek hai na, jo unko offend ho jaye, something offensive about Jesus, so that would be heresy. And the Christians believe in something, बट इफ आई से सम अपोजिट ऑफ दिस, हियर से हो जाएगा. तो किसी धर्म के, रिलीजन के खिलाफ अगर कुछ आप जो बिलीव करते हैं उसका उल्टा बोल दो तो वो हियर से होगा. टू डिसरिस्पेक्ट अ रिलीजन, ऐसे समझ लो. क्लियर? रिलीजन डिसरिस्पेक्ट, दिस इज रॉन्ग न्यूज, फेक न्यूज. आर वी क्लियर? Guys, are we clear? Deceased and deceased. So guys, this disease is like the dead person.
and this disease matlab the bimari, the sickness. Okay, now let's check. It is not proper to speak ill of the deceased. Kisi mare hue insaan ke bare mein hame bura nahi bolna chahiye. We should never speak ill things, the bad things about the dead. Okay, to matlab deceased means already dead. Okay, and deceased means effective disease. So she had indomitable courage in spite of being deceased. Bimari hone ke baad mein, ye bahut acha word hai, mera favorite word hai, theek hai na? Indomitable matlab your efforts, your courage is so powerful that you are not afraid at all, theek hai na? Indomitable spirit, Dr. Kalam ka ek book hai, aaj search karna, Indomitable Spirit by Dr. Kalam sir. Theek hai na? The greatest human being ever lived, according to me. All right. In India. So deceased, the bimari, and disease means death. Clear? Next. Okay. Extent and extinct. Let's find out. Extent means right now alive. ठीक है ना? Right now something is valid, alive. ठीक है? तो extent means existence. ठीक है ना? Is still existing. अभी भी कोई चीज है. वो extent होगा. E-X-T-A-N-T. और कोई चीज खत्म हो गई. Dinosaurs. तो dinosaurs ये. Elephant ये. Elephant अभी भी है. Dinosaur go went gone. Extinct हो गया तो completely no longer valid, no longer alive. We use this spelling extinct, E-X-T-I-N-C-T. All right, and this is मतलब still existing. अब ये कौन है extent? ये क्या है? होता ना to a certain extent, ऐसा हो सकता है एक हद तक, limit to a certain extent, वो ये वाला है, ये वाला. चलो इसको read करते हैं. Extent means existence, not destroy or lost, जो अभी चीज खत्म नहीं हुआ है. Some extant manuscripts, कुछ manuscript अभी भी हैं right now. Alright? Okay. Extinct देखो, family, other large group, species, or no long, ठीक है ना? Having no living members. Dinosaurs have no living members ना? ठीक है? तो dinosaurs are extinct. E-X-T-I-N-C-T. Clear? Okay. ये अभी जिंदा है और ये मर गया है. ये गाना गा रहा है जिंदा हूं मैं. ऑल राइट, ये गाना गा रहा है जिंदा हूं मैं और ये मर गया मैं. ऑल राइट, और ये कर रहा है एक हद तक, टू अ सर्टेन लिमिट, टू अ सर्टेन एक्सटेंट. इज इट क्लियर? 760 नंबर, इज इट क्लियर? डिसेंट, डिसेंट एंड डिसेंट. डी इज बड़ी, she is a very decent girl, he is a very decent boy. Decent, yeah, we know this person. Adequate, fair, ठीक है ना, suitable, appropriate, बड़ा अच्छा बंदा है. Decent boy, clear. Descent, slope, okay. Descent means downward inclination, slope. जब कोई चीज नीचे उतर रही है. Ascent, going upward. Descent, going down. We know this word. And descent मतलब आप 20 लोग और मैं 21st में वी प्लान्ड अ ग्रुप, ठीक है, कि हिमालय चलते हैं और हम लोग एडवेंचर करके आएंगे. बट देर वॉज अ डिसेंट इन द ग्रुप. हम यहाँ जाएंगे, हम ये पहनेंगे, हम वो खाएंगे, डिसएग्रीमेंट. तो दिस इज डिसएग्रीमेंट, दिस इज द स्लोप, एंड दिस इज वेरी डिसेंट बॉय. इज इट क्लियर नाउ? All clear? 18. Corpse, very confusing words. Corpus and corpse. कितना लोग चारों का भी नहीं जानता है? इन चारों में से कितना का भी नहीं जानता? Quickly. ठीक है ना? Out of these words, how many of you know already? I want answer. देखते हैं कितना लोग हैं यहाँ पे. बस words लिख दो, मैं समझ जाऊँगा कौन सा जानते हैं. Meaning मत लिखना. Quickly. So guys, listen, corpse means
द मिलिट्री वाला होता है ना, कॉप्स वाला, द ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब मिलिट्री के सेंस में, ठीक है, मीन्स अ बॉडी ऑफ पीपल एसोसिएट टुगेदर, ठीक है, लाइक अ रेजिमेंट होता है ना, हमारा कॉर्प्स होती है, एक एक डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट होती है, पंजाब सिख रेजिमेंट, आई डोंट नो नाम सही बोला कि नहीं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सोल्जर, उनका एक नाम होता है, ठीक है, दिस इज कॉर्प्स। एंड ये देखो CORPS, ठीक है, CORPS ये तो हो गया, ये देखो कॉर्पस, कॉर्पस इज अ डेड बॉडी, अ ह्यूमन डेड बॉडी इज कॉल्ड कॉर्प्स, CORPS, ओके, कॉर्पस मीन्स कलेक्शन, ठीक है, इमेजिन अ रूम फुल ऑफ बुक्स, कॉर्पस, इमेजिन अ रूम फुल ऑफ फाइल्स, ठीक है ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिस में दुनिया भर की फाइल भरी पड़ी है, कॉर्पस कलेक्शन, एक राइटर ने 1000 पोइम्स लिखी, कॉर्पस ऑफ पोइम्स, कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन, दिस इज कलेक्शन, दिस इज डेड बॉडी, दिस इज द रेजिमेंट, द मिलिट्री, ओके, एंड कॉप्स, द पुलिस, एटीन के लिए, यस यस, बैंक में कॉर्पस होता है, यस, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, कोविट, ठीक है ना, यूपीएससी एग्जाम इज सच अ कोविटेड एग्जाम गाइज, यूपीएससी आईएएस एग्जाम इज अ वेरी कोविटेड, COVETED, समथिंग दैट इज बियॉन्ड, एवरीबडी वॉन्ट इट, बट ठीक है, नॉट एवरीवन कैन हैव इट, हर किसी को आईएएस बनना, लेकिन हर कोई बन नहीं चाहता है, तो समथिंग दैट यू डिजायर बट यू कैन नॉट हैव इट, तो दैट थिंग इज कॉल्ड कोविटेड, कि आपके एक पड़ोसी है, उसके पास में है ना जैगुआर है, ठीक है, या फिर मर्सिडीज, या फिर समथिंग लाइक दैट, कोई बड़ी सी गाड़ी है, ऑडी, ठीक है, एंड आई, और ठीक है, तो दैट, ठीक है, तो फॉर यू दैट इज अ कोविटेड थिंग, मैं नहीं कह रहा आपके पास पैसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, फॉर समवन, ऑफेंसिव मत हो जाना, गाली मत देना, बस बता रहा हूँ कि देर इज समबडी, देर इज पर्सन, वेरी पुअर पर्सन, चलो ठीक है, वेरी पुअर पर्सन, ठीक है, एंड ही सेज द जैगुआर, ओके, टेक फाइव, या फिर रोल्स रॉयस, 5 crore कार, तो फॉर दैट पुअर पर्सन दैट कार्स इज अ वेरी कॉवेटेड ड्रीम, ठीक है ना, कॉवेटेड मीन्स टू डिजायर रॉन्गफुली, गलत डिजायर कर रहा है, ठीक है ना, विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स, किसी और चीज के पर नजर मारना ना कॉवेटेड होता है, एंड यू कैन नॉट हैव इट, क्लियर, कोवर्ट मतलब सीक्रेट, आर्मी, कौन सी मूवी आई थी वो, बिक्की, बिक्की कौशल वाली मूवी, उरी, कोवर्ट ऑपरेशन हुआ था वो, उरी मूवी में जो सीक्रेटली गए थे ना वो लोग, कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट ऑपरेशन मीन्स सीक्रेट ऑपरेशन, ओके, सीक्रेट, ओवर्ट मीन्स वेरी क्लियर, एवरीबडी नोज दैट, तो ओवर्ट इज अ फिनोमेना, अ थिंग दैट ओपन टू एवरीवन, एवरीबडी नोज दिस, दिस इज सीक्रेट, और दिस इज एवरीबडी नो इट, ऑल राइट, आदित्य, अच्छा ऋतिक, आप, अच्छा आप वॉच कर रहे हो ऋतिक, ओके ऋतिक, वेलकम टू द क्लास, ओके, सो गाइज ओवर्ट, तो चलो रीड करते हैं, ओवर्ट, ओवर्ट मीन्स ओपन टू व्यू नॉलेज, नॉट कंसील्ड, जो छिपा हुआ नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट कंसील्ड, समथिंग दैट इज नॉट हिडन, मीन्स ओपन टू पब्लिक, एवरीबडी नोज, तो दैट इज ओवर्ट, कोवर्ट सीक्रेट, मिलिट्री, उरी मूवी, ठीक है ना, और कोविटेड मतलब तुम कुछ लेना चाहते हो बट यू कैन नॉट हैव इट, क्लियर गाइज, 90 नंबर क्लियर, अंशिका, कोविटेड इज अ काइंड ऑफ ए थिंग, अ फिनोमिना, मतलब व्हेन यू विजुलाइज समथिंग कि हे आई वांट टू हैव दिस बट यू कैन नॉट हैव इट, दैट इज अ कोविटेड ड्रीम, ओके, कविता, यू वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बट इट इज अ कोविटेड ड्रीम, ठीक है, कि भाई जो पूरा नहीं हो सकता, रॉन्ग फ्री ड्रीम कर लिया आपने, एक बंदा है और बहुत गरीब है, कुछ नहीं उसके पास में, ना एक पैसा भी नहीं है, अ पर्सन, अ स्टूडेंट, वेरी पुअर, नो पेंसिल, नो पेन, नो क्लासेस, नो यूट्यूब, नो 4G डाटा, नथिंग, ठीक है, एंड वो एक DM को देखता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखता है, लाल बत्ती के साथ में, ठीक है ना, एंड देन तो टू बी लाइक दैट, यू नो, एक उस गरीब बंदे को वो DM बनना, IAS बनना इज अ कोविटेड ड्रीम,
उसके बियॉन्ड से बाहर, उसकी समझ से बाहर है, उसकी रीच से बाहर है. अब क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू. नेक्स्ट, आईलेट एंड आईलेट. ये आई एस, ये एल नहीं है, ये क्या है? आई एस एल ई टी, आइसलेट. आइसलेट एंड आईलेट, वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स. ऑल द एग्जाम्स आज क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस लाइक वर्ड्स, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनीथिंग. मुझसे सुन लो कहानियां, फिर इनको मैं क्वेश्चंस में कराऊंगा. तो गाइज, आईलेट इज लाइक अ पीक होल. आपने देखा होगा मूवीज में, दिखाते हैं आपके घर पे भी होगा, दरवाजे में, ठीक है, ऑन द फ्रंट गेट देयर इज अ होल सो दैट यू कैन पीक एंड लुक हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द डोर, ठीक है ना, समथिंग. सो आईलेट मीन्स अ स्मॉल होल, ठीक है ना. अब वो होल कहीं पर भी हो सकता है. आपके शूज में जो हम लेसेस डालते हैं ना, वो भी वहां पर भी, उसको भी हम लोग यही बोलेंगे आईलेट. या फिर किसी पाइप वगैरह में कहाँ पे बोलेंगे हम लोग. अच्छा, और आइलेट क्या होता है? स्मॉल आइलैंड. स्मॉल आइलैंड इज एन आइलेट. और दिस इज क्या है? एक छोटा सा होल पीक करने, एक दीवार से दूसरे दीवार में झांकने के लिए. क्लियर? 20. आइलेट मीन्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड. आइलेट, ओके, एक स्मॉल ओपनिंग, छोटा सा जो छेद होता है, होल होता है, दैट इज आइलेट. वॉटर निकलने के लिए, झांकने के लिए. इज इट क्लियर नाउ? गाइज, हेल, ओके, सॉरी गाइज, हेल एंड हेल. तो गाइज इसको देखो, ऑल हेल, रिमेंबर द हिटलर, हिटलर, ऑल हेल सीजर, लाइक दैट. आपने मूवीज देखा है उसका? ऑल हेल सीजर, ऑल हेल मोदी जी, एवरीबडी वेलकम मोदी जी. तो यहां पे हेल हमारा होता है वेलकम वाले सेंस में आता है, चीयर करना, ठीक है ना. प्लीज वेलकम नरेंद्र मोदी जी, ऑल हेल मोदी जी, प्लीज वेलकम एडॉल्फ हिटलर, हेल हिटलर. ओके, ऐसे बोला जाता था, हेल हिटलर, अगर आपने मूवी देखा होगा तो. ओके, ओके, एंड ये वाला हेल देखो, एच ए एल, ये होता है डिसीज फ्री. मतलब जैसे कहीं पे किसी, आप है ना, एक शॉप में जाते हो रिलायंस फ्रेश में, एंड यू फाइंड आउट लाइक ऑयल और शैम्पू और एनी एडेबल आइटम दैट यू वांट, वहां पे लिखा हुआ है हेल मींस डिसीज फ्री, ठीक है, ये डिसीज फ्री है बिल्कुल. तो हेल मींस फ्री फ्रॉम डिसीज, रोबस्ट, एकदम स्ट्रांग, वाइगरस, वेरी स्ट्रांग, ठीक है ना. बॉर्नविटा, ऑल राइट, वॉन बीटा, ठीक है. ओके, यूजिंग हेल एंड हर्टी ऑयल्स. कैसा ऑयल यूज कर रहे हो? डिसीज फ्री ऑयल्स. हर्टी मीन्स गुड फॉर हार्ट. अच्छा, हेल मुगैम्बो, हेल मिस्टर इंडिया. ओके, आई लाइक योर क्रिएटिविटी. ओके गाइज, इनर्वेट एंड इनर्वेट, वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स अगेन. एवरी एग्जाम आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टू वर्ड्स एक्चुअली. इनर्वेट, तो इनर्वेट वो होता है डाइटिंग करके करीना कपूर, रिमेंबर, साइज जीरो, 5 years बैक और मे बी 10 years बैक, द फिनोमेना केम द साइज जीरो, ठीक है ना. इतना सूख जाए कोई, इतना डाइटिंग कर ले कि बिल्कुल क्या हो गया, सूख के पतला हो गया, वो तो वो क्या है, अमीर लोग हो गया. गरीब आदमी, खाना पीना नहीं मिलता है, सूख के उसकी हड्डियां बन जाती हैं, ठीक है. दैट इज ये वाला, ये इनर्वेट, ई एन ई आर वी ए टी ई, इनर्वेट मीन्स अ पर्सन, इमेजिनेशन करो, बहुत गरीब सा बंदा है, बिल्कुल सूखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल. तो समझ गया कि नहीं? डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ फोर्स, बिल्कुल उसमें ताकत नहीं है, ठीक है. वाइगोर मतलब कि उसकी पावर बिल्कुल गायब हो गई है. तो इनर्वेट मतलब बिल्कुल इमेजिनेशन हो गया. अभी क्लियर? अभिनव पतली कमर. ओके, और इनर्वेट, आई डेवलप, इनर्वेट मीन्स क्या होता है? थ्रू द नर्व्स. तो एनी थिंग जो हमारी नर्व्स के थ्रू जो जाता है ना, अंदर अंदर हमारी बॉडी में नर्व्स होती है ना, नर्व सिस्टम, तो एनी थिंग दैट फ्लोज इन द आर नर्व्स, तो वो क्या होता है? इनर्वेट होता है हमारा. आओ रीड करो, इनर्वेट मीन्स कम्युनिकेट नर्वस एनर्जी टू स्टिमुलेट थ्रू द नर्व्स. हमारी बॉडी के नर्व्स के थ्रू अगर कोई एनर्जी आए हमारे अंदर, तो वो क्या होता है? इनर्वेट.
तो ये तो क्या है हमारा, बहुत ही निगेटिव वर्ड है इनर वेट, मतलब बिल्कुल नो खाना पीना, सूख गया बंदा, ऑल राइट. एंड दिस वन इज एनी एनर्जी दैट इज फ्लो थ्रू आवर नर्व्स, नर्व सिस्टम. बायोलॉजी वाले तो सबने पढ़ा ना भाई. ओके थैंक यू. किसने बोला है 22 क्लियर? शिखा रानी थैंक यू. डेफिनेट एंड डेफिनेटिव, ठीक है ना. गैंग ऑफ बशेपुर, अबे डेफिनेट को इधर बुलाया है. परपेंडिकुलर, क्या नाम है तुम्हारा? परपेंडिकुलर, याद आ रहा है किसी को? व्हाट्स योर नेम? परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या है? डेफिनेट, याद आ रहा है किसी को? ओके गाइज, तो डेफिनेट मीन्स क्लियर, प्रीसाइज एंड पॉजिटिव. डेफिनेट मतलब श्योर शॉट, डेफिनेट मीन्स श्योर. ओके अब आगे देखो, डेफिनेटिव क्या होता है हमारा, ठीक है. फाइनल, DEFINITIV, डेफिनेटिव मीन्स फाइनल, फाइनल प्रोजेक्ट, माय फाइनल थॉट, माय फाइनल क्वेश्चन, ठीक है ना. द एंड पार्ट ऑफ समथिंग, एंड पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, दैट इज डेफिनेटिव. बट डेफिनेट मीन्स श्योर शॉट, तो एंड होना अलग होता है, टू बी फाइनल इज अ डिफरेंट स्टोरी एंड श्योर शॉट इज अ डिफरेंट स्टोरी. आर बी क्लियर? फैजल, यस फैजल खान, बाप का, दादा का, परदादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, ठीक है ना. ऐसे ही न्यूज पेपर, मॉक टेस्ट, नरेंद्र सर क्लास, सब अटेंड करेगा तेरा फैजल. दिस शुड बी योर डायलॉग. आज अपने घर पर जाओ और मम्मी पापा को, भाई बहन को बोल दो, समझे कि नहीं, न्यूज पेपर, द मॉक टेस्ट एंड द नरेंद्र सर क्लास, सब पढ़ेगा, हर रोज पढ़ेगा तेरा फैजल. आज घर जाके बोलना सबको. ओके, कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस. तो गाइज, कॉन्टिन्यूअस मीन्स हैपनिंग ऑल द टाइम, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है ना, हर रोज चल रही है, विदाउट डिस्टरप्शन, विदाउट इंटरवल. और कॉन्टिन्यूअल मतलब हैपनिंग इन अ इंटरवल, रुक रुक के अगर कुछ हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअल, ठीक है ना. ठीक है, तो देखो, कॉन्टिन्यूअल मीन्स टू रेगुलर और फ्रीक्वेंट, रेकरेंस, ऑफन, रिपीटेड, जो बार 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 हो लेकिन आफ्टर इंटरवल, कॉन्टिन्यूअल. और समथिंग इज हैपनिंग विदाउट इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस. आर वी क्लियर? ओके, कॉन्टिन्यूअल पढ़ लेते हैं. एट द रेलवे स्टेशन देर वर कॉन्टिन्यूअल अनाउंसमेंट्स, ठीक है, देर वर कॉन्टिन्यूअल अनाउंसमेंट, दैट मीन्स के आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था. ओके, ओके, कॉन्टिन्यूअस तो जानते हो, अनइंटरप्टेड इन टाइम. ओके क्लियर. एंड द लास्ट वन फॉर टुडे, ये रहा लास्ट वन, ग्रीव एंड ग्रीव. इसमें से कोई सा वर्ड जानते हो आप लोग? क्विकली बताओ गाइज, ग्रीव एंड ग्रीव. चलो चेक करते हैं. ये ग्रीव तो पता है क्या होता है हमारा? सोरो, वी फील सैड फॉर समथिंग, सोरो. ओके, अब ये वाला ग्रीव क्या होता है? जी आर यू ई, ग्रीव, ठीक है. इमेजिन करो, आपने जो हिस्टोरिकल मूवीज देखी ना हॉलीवुड की, जब द फाइटर्स, योद्धा होते हैं ना हमारे, ठीक है, और वो क्या होता है, शील्ड होती है, गन होती है उनके पास में, ठीक है, दे हैव, ठीक है, स्वॉर्ड, तलवार होती है उनके हाथ में, ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ पहना होता है, कवर. तो एक जो कवर होता है ना, जो नी और एंकल के बीच में होता है, नी आप समझे ना, घुटना, ठीक है, तो नी और एंकल के बीच में जो कवर लगाते हैं उसको बोलते हैं ग्रीव. अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर क्या है, गलत स्पेलिंग दे देगा यार, पंगा हो जाएगा. सो प्लीज बी केयरफुल. ग्रीव मीन्स दैट आइटम फॉर प्रोटेक्शन दैट यू वेयर, ठीक है ना, कहाँ पे? ऑन योर नीज. ओके, और ग्रीव मीन्स सैड. यस, ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर, अभिनव मुकुट का. ओके चलो, ये क्लियर हो गया हमारा 25 क्लियर? जल्दी से बताओ क्विकली. तो गाइज,
ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा बाद में कमेंट करना लेटर ऑन आकर के आफ्टर 10 मिनट्स वीडियो पे, एंड मेरे पुराने वीडियोस को वॉच करो, ठीक है। बहुत पावरफुल स्टोरीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अब जो पढ़ाऊंगा उनका प्रैक्टिस चलने वाला है, ठीक है। बहुत डेंजरस फिनोमिनास में पढ़ा रखी है जो यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर ऑन यूट्यूब, ट्रस्ट मी। एंड एटलीस्ट कॉलेज में आपके कम से कम 100-200 का ग्रुप होता है, सबको फॉरवर्ड कर दो, उनको बोलो कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन TCS एग्जाम, ठीक है, विप्रो एग्जाम, या फिर इन UPS एग्जाम, इंग्लिश सेक्शन और कैट एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम, SS एग्जाम, एनी एग्जाम, ठीक है, दीज स्टोरी इज गोइंग टू हेल्प दैम। तो इन्फॉर्म दैम, शेयर द वीडियो विद एवरीवन। हर बंदा कम से कम 100-100 जगह करो, आपका गाँव में, आपका फ्रेंड सबको करो, ठीक है, और सबको इन्फॉर्म कर दो। अब जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, यू डू योर जॉब, ठीक है। और आपको तो डेली आना ही है, और दिस इज माय कूपन कोड, आप लगा करके मेरा प्लस क्लास पर भी आ जाओ, 2 आवर्स का प्लस क्लास होता है डेली, नरेन लाइव। और अपने यार दोस्तों को बता देना कि अगर इंग्लिश पढ़ना है तो कहीं ऑफलाइन तो पढ़ने मत जाओ, ऑनलाइन नरेन सर का कूपन कोड लगाओ और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है गाइज। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। वेन एवर यू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज ना, ऑफकोर्स यू हैव टू वॉच, देन लीव अ कमेंट ऑलवेज, so that I would know that you have been there. All right, ठीक है, all the best and see you in the next session, 9 to 10, रात को मिलते हैं, कुछ अच्छा सा पढ़ते हैं, ठीक है, all the best, keep reading newspaper.